मेरा नाम खुशी सैनी है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज का मेरा शीर्षक है स्पीड ब्रेकर द्वारा बिजली का उत्पादन। तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अगर इस प्रणाली को अगर सरकार अपनाए तो उसे बहुत ही फायदेमंद होगा। अब जो हमारे जीवन में बिजली का बहुत ही उपयोग होता है और इसके बिना हमारे कई काम रुक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मैंने एक स्पीड ब्रेकर द्वारा बिजली का कैसे उत्पादन किया जाता है वो बताया है। जैसी जैसी इस पे जैसे गाड़ी आती है स्पीड ब्रेकर पे, तो इसमें बिजली का उत्पादन होता है और ये एक इस पावर हाउस में स्टोर होती है। इसके लिए इसका उपयोग हम पार्क में, हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में कर सकते हैं। और इसमें जो है इसमें जैसे ही गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर आएगी तो बिजली उत्पन्न होगी और जैसे ही हटेगी बिजली स्टोर होती जाएगी पावर हाउस में। और इससे जो है जितनी भी गाड़ी आएंगी उसकी उससे जो बिजली उत्पन्न होगी वो पावर हाउस में स्टोर होगी, जिससे कि हमें ये फायदा होगा जो बिजली है वो बर्बाद नहीं हो रही है। क्योंकि जब एक कोई भी कार आती है तो उसकी वो जो उसकी स्थिति ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।